स्वयं देखा आज रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस शुरुआत में ही स्वयं नाम आ रहे हैं। प्रतीक को बहुत मिस करते लोग। 12 बोलता मस्त है वो। चलो मैट्रिक्स क्या है? 3-4 क्या प्रतीक होगा? हाँ 3-4 - 2 - 2 सर को ऐसे चाहिए सर को ऐसे सर्वाइवल इस मामले में मैं बहुत लेंगे कुछ भी चलता चलो के ढूंढना है हमें। We need to find out के तुम लोग सॉर्ट आउट करो यार एसी फैन जो भी है वंश फटक से चाहिए नहीं चाहिए एसी कहा हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए के ए माइनस टू आई। ए स्क्वायर ए इज व्हाट? व्हाट इज ए? 3-4 - 2 - 2 देन अगेन 3-4 - 2 - 2 Equal to k into a is what? 3-4 - 2 - 2 - 2 into i. हाँ जिनका हुआ है बात करो। 1-0-0-1 matrix multiplication करना है हमें पहले, okay? So first row, first column. So ये याद है ना? First row, first column. बहुत gap हुआ है, भूल गया होगा। 9 - 8 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 - 2 - 2 - 6 साहिल के बाद इसका नंबर है। फिर ऐसा कंपेयर करें तो ये तो नीचे आएगी ना सबसे। साहिल के बाद 13 नंबर आना चाहिए फिर तो। साहिल के बाद सिद्धार्थ आएगा। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 - 3 = 12 - 2 - 4 - 8 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 - -2 - 8 एंड दिस इज व्हाट? +4 k * इस k को अंदर लेके जाओ k - 2 k 4 आप तक सही मिला है क्या? पूरा मैट्रिक्स चेक करो जरा। बराबर क्वेश्चन 1 - 2 - 4 - 4 = what? 3k - 2 - 2k - 0 - 4k - 0 -2k - 2 okay? Now let's compare by equality of matrices, है ना? By what? Equality of matrices. हाँ ठीक है 4k - 0 = 4 So what is this? 4 = 4k What is k? K equal to 1. Understood or not? Aarti? Good. Okay. तुम्हारे कॉलेज में से कब से स्टार्ट हो रहे हैं?
छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली वैसे भी ना तुम्हें, अभी क्या 31st में है, हम इसको छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी ना मना नहीं, कौन बोल रहा है, अरे क्लास की छुट्टी नहीं होती, छुट्टी नहीं होती, छुट्टी हाँ बरोबर है, म्हटले होते असे हो स्टूडेंटला देतात टू फील गुड. क्वेश्चन नंबर 13, एक्स इक्वल टू व्हाट, वाई इक्वल टू व्हाट, हम आज जल्दी थोड़ा ना, क्यों किस खुशी में, क्या हुआ वो भी आज मन की तैयारी करनी है, नको नको तैयारी करनी है. चलो दिस इज द क्वेश्चन, हाँ बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सही नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है, कुछ तो सिलेबस की खोई रही, उसका चश्मा देखे ना, उसके वाणी का चश्मा ऐसे उसके फेस से भी बड़ा लग रहा है, फेस एकदम छोटा है ना, चश्मा बड़ा लग रहा है. अच्छा क्या है आंसर बताओ जरा, 99. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स के अंदर, चलो फटाफट, दोनों नहीं, अभी वही चल रहा था डिस्कशन जिसमें तू नहीं था, बैठे बैठे एमजी रोड पे घूम रहा था तू दिमाग से. अरे इधर आके बैठ, मेरा फिर से हुआ क्या झगड़ा, मैथ्स की क्लास से पहले होता क्या हमेशा, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा अथर्व को ऐड ही नहीं किया था, एंड ये बोल रहे, कौन बोल रहा था, हु इज स्वयं प्रज्ञा, दो चीजें बेस्ट थी, आई नहीं वो एक ही आई, चलो आएगा इसका 19 and 12, तुम्हारे लॉकडाउन जब हुआ ना उसके जो पहले वाली जो बैच थी ना, उन्होंने सारे फैकल्टीज के ऊपर स्टिकर्स बनाए थे, सारे फैकल्टीज के स्टिकर्स बनाए थे, और वो स्वयं की गर्लफ्रेंड भेजी थी. राशि को डिस्टर्ब करते हो बेचारी राशि. चलो 4 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 2 8, 4 into -1 -4, 4 3 12, 4 into 1 4, 0 into 4 एंड 4 into 2 कितना आया ये? यस है का. क्या है 2 - 1 1 इक्वल टू एक्स वाई. चलो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, प्रतीक खतरनाक लड़कियों की कमी नहीं है यार दुनिया में. मेरी जान कर रहे, लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में. और तो है ना, बाबू बोला थे, बाबू सोना भी करते हैं.
मैंने देखा वो ये क्या था मेरी गर्लफ्रेंड चलो 8 माइनस 3 कितना आया भाई माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 12 माइनस 4 8 4 माइनस 2 2 0 माइनस 1 माइनस 1 8 माइनस 1 7 क्या हुआ तू हाफ लेगा पूरा कप नहीं लोगे तो मेरे को कॉफी मत ला फिर हाफ ले लूंगा सच में मैं मना नहीं करने वाला ऑफर करोगे तो हाफ धोखा नहीं करने का काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं पक्का ना तू ही मेरा स्टूडेंट है तू ही मेरा स्टूडेंट है चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्वयं मल्टीप्लिकेशन अवनी आया क्या आंसर कहाँ पे गड़बड़ किया था XY. अब क्या लिखोगे स्टेटमेंट बाइक वाली की सो X is how much 19 Y is how much 12 understood yes good question सच में मार्क गिवर है ये बोल सकते हैं मार्क गिवर तो मैथमेटिकल लॉजिक भी था रे मिले तो नहीं मार्क्स है कि नहीं विरचा अभी तक वो दोनों क्लास में क्या यार तू वाणी तू क्या करने वाली है फिर बाद में सीएफए करने वाली अरे वाह मेरे भाई ने किया है सीएफए लेवल वन अभी लेवल टू कर रहा है वो उसका सीन अलग है वो आईआईटी क्रैक किया फिर उसने इंजीनियरिंग किया फिर उसके बाद अभी वो कर रहा है सीए में वो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा कर रहा है फिंटी ज्वाइन करने वाली है फिर बाद में नहीं ये थर्ड ईयर में फिर एग्जाम से अच्छा मतलब बीकॉम के थर्ड ईयर में करने वाली सुबोध सर है ना सीए हां 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 उन्होंने कहा अच्छा ओके ओके गुड 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 तू वहां पे थी क्या फिर 11th में नहीं उन्होंने कहा था कि एडमिशन उधर ले ले पर मैंने नहीं लिया ऐसा क्यों किया तो जब ऐसा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 3 1 2 1 एंड दिस इज माइनस 3 चलो ट्राई फास्ट फिंट्री वाले मेरे भाई ने वहां से किया था कुछ तो प्लेसमेंट्स भी ऑफर करता था कुछ तो है एक्चुअली वो जो फिंट्री वाले जो है ना उत्कर्ष जैन वो भी सीए है और वो भी एकत्वम के स्टूडेंट है बट वो बहुत अभी पढ़े है मतलब वो भी एकत्वम के स्टूडेंट है उत्कर्ष जैन नाम यस 3 into 2 6
3 into 2 minus 4 into 1, 4 into 1, 4 into minus 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 1. सही है क्या? 1, 2. And here you have x minus 3, y minus 1, 2z. चलो subtraction करनी है हमें. 6 minus 4 is 2. 0 minus 4 is minus 4. 0 minus of minus 4 is plus 4. 6 minus 8 is minus 2. 6 minus 12 is minus 6. 6 minus 4 is 2. X minus 3, y minus 1, 2 into z. चलो मल्टीप्लीकेशन करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सबका हो गया सॉल्व करके पहले से, लड़कों को छोड़ के. सभी लड़कियों का हो चुका है सॉल्व करके. राशि इसके बाद नोटबुक पेन का क्वेश्चन है क्या? वर्ड प्रॉब्लम जो है ना मैट्रिसेस के, वो जनरली पूछते ही नहीं है. मतलब ये वाले जो हमने अभी तक किए हुए हैं, वो पिछले बार हमने वो रमेश गणेश सुरेश कुछ तो किया था ना, हाँ, वो भी नहीं पूछते कभी. क्या हाँ करना है अपन को, बट मैं बोल रही हूँ जैसे सुरेश रमेश का जो हमने एक्सप्लेन किया था, बट पूछते कभी नहीं. इजी है ये. तो धमकी से फिर से करना. चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 2 इंटू 1 2, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 माइनस 4. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया? माइनस 6 प्लस 4. कितना है फिर बताओ? By equality of matrices, right? Arti? All okay? Arti? By equality of matrices, minus 6 will be equal to what? X minus 3. So what is this? Minus 6 plus 3. It will be minus 3 equal to X. 0 equal to what? Y minus 1. 0 equal to what? Y minus 1. So what is this? Y equal to 1. Minus 2 equal to 2z. So what is that? Minus 1. Z equal to what? Minus 1. So x equal to minus 3, y equal to 1, z equal to minus 1. Understood or not? Yes. Okay. Vansh. Next question. Karna. Kya hua? Isko boliye. 9th parat hai aur 9th parat hai na? March. झाडू मारायचं काय आपल्याला रस्त्यावर? तू राहती का? Question number 15. Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens, 8 notebooks. Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. चलो पहले matrix बनाते हैं. Jay और Ram को क्या क्या buy करना है? क्या हुआ वंश? Coffee. इसने मैंने तो नहीं लिया सीरियस, स्वयं ने सीरियसली ले लिया. जिसका कुछ है ही नहीं लेना देना.
ना वो चाय लाने वाला था ना वो पीने वाला था, फिर भी उसको बोलना है। चलो पेंस कितने बाय कर रहे हैं अपन, जय और राम है ना। अरे नहीं भाई मेरे को नहीं पीने में, सुबह सुबह चाय पी के आई हूँ मैं पहले इतनी, बिल्कुल मैं दिन में एक बार भी चाय नहीं लेती थी, ये इस साल पता नहीं क्या हो गया है, चाय कॉफी सब वही चल रहा। 4 पेन्स 8 नोटबुक्स कौन बाय कर रहा है? जय 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 राम राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। राम से तो नहीं उस पवित्र एग्जाम्पल से तब सर तुम्हारा श्रुति थोड़ा लेट रिकॉग्नाइज करती है चीजों को है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेक्स्ट मैट्रिक्स में याद रखो वही ना, नेक्स्ट मैट्रिक्स केयरफुली ले लेना क्या है नेक्स्ट में, प्राइसेस दिए हुए उन्होंने है ना, किसके प्राइसेस दिए हुए हैं, प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक। ओके ले सकते हो, फिर उस हिसाब से हमें ये मैट्रिक्स भी रो में लेना पड़ेगा। मतलब तू जयराम को ऊपर ले सकती है, पेन नोटबुक को नीचे ले सकते हैं, उस केस में तुझे बी मैट्रिक्स भी हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। सी कंडीशन क्या है हमारे पास अभी, प्राइसेस क्या दिए हुए, पेन का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और नोटबुक का कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना, ये पेन का प्राइस है और ये नोटबुक का प्राइस है, am I right? This is price matrix ना। अब जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन 4 8 5 12 एंड 6 10 ऐसे होगा ना मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपना पेन का क्वांटिटी और पेन का प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है, नोटबुक का क्वांटिटी और नोटबुक का प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द टारगेट बेसिकली। मैट्रिक्स अरेंजमेंट इज नॉट एन इश्यू, तो अपने हिसाब से कर ले, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके दैट इज द मेन टारगेट, तू अरेंजमेंट कैसे भी कर। हमें ढूंढना क्या था, फाइंड अमाउंट, सो अमाउंट इज व्हाट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। वो तो है भाई, इसीलिए तो नहीं पूछते ना एग्जाम में, ये वाला पूछती नहीं इसलिए एग्जाम में से। ठीक है सो चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जयराम आ जाएंगे अपने, अमाउंट कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 6 24 8 10 18, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 6 30 12 10 120, कितना आ रहा है ये 104 and 150। सो ये जय को अमाउंट लगा और ये राम को लगा, अंडरस्टूड ना। अरे पर मुझे सच्ची में नहीं पीना है, ठंडी हो गई अब तक यार, मैं पूरी पी भी ली मैं, खत्म कर ले चल। अच्छा क्यों नहीं लगता, वो देव है तुम जानते नहीं होंगे, मे 22 बैच में वो तो ऐसे पीते पीते एंट्री मारता है चाय पीते पीते। So, Jay requires, मैथ्स में भी अगर मैं इतना लोड देने लगूंगी ना तो मैथ्स का भी पसंदी नहीं आएगा फिर, ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है मुझे। क्या हुआ क्या बोल रही है, जय रिक्वायर्स रुपीज 104 हाँ, एंड राम रिक्वायर्स रुपीज 150।
ठीक है, समझ में आया क्या? पूरा एक्सरसाइज कुछ था ही नहीं उसमें आज के लिए, नहीं एग्जैक्टली किस खुशी में? खुशी थोड़ी होती है वो मेंटली प्रिपेयर करना है, जैसे अभी मंदिर में जाके बैठना है, अभी से मेंटली प्रिपेयर होना है। हम तो फाउंडेशन टॉप करने वाले लोग हैं, हम इसका टेंशन थोड़ी लेते हैं, है ना स्वयं? सच में चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज़। याद रखने की कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टीज, वो प्रूफ करने के लिए देते हैं वैसे भी, बट एमसीक्यूज वार्ड लगा देंगे, इसलिए याद रखो थोड़े बहुत। चिल्ले वो लड़की है ना रे, क्या हुआ? सर बदल देंगे, सर को पता चलेगा तो मुझे तो पता है अभी आपको पता है मेरे को, वो मैंने कब से लॉग इन करके रखा है, मतलब वो पासवर्ड डाल के रखा है, याद नहीं है तो आप ही पूछो और हमें बताओ। मुझे याद ही नहीं है, हाँ बता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है? तो क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? रोज को कॉलम करने, ठीक है? सो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज, हाँ बट अभी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एडिशन तो ठीक है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। अगर तुम a into b मल्टीप्लीकेशन इसका ट्रांसपोज करते हो तो यू विल गेट b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज, ओके? सो हाँ, और एक चीज यहाँ पे मुझे बतानी है, ये तभी हो सकता है व्हेन बिकॉज हमें पता है ab इक्वल टू ba, ये हर एक मैट्रिक्स के लिए नहीं होता, कभी कभी होता है, जब भी कभी होता है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई, मतलब इफ ए बी एंड बी ए इनका मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो ही ये प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ तो वही ना, बी ट्रांसपोज़ नहीं ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे ए बी इक्वल टू बी ए है तो ट्रांसपोज ले रहे ना तुम लोग, ट्रांसपोज लेना मतलब रो को कॉलम कर रहे हैं अपन पूरा, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव नहीं आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। प्रूफ करने वाले अपन, प्रूफ मतलब देखो वैसे तो वैल्यूज लेके प्रूफ करना है इसको, वैल्यूज लेके प्रूफ करना है, एज इन तुम्हारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, प्रूव दिस प्रॉपर्टी, तो वहां पे वो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ही याद रखो। इसको बोलते हैं कन्फर्मेबल, यस, इफ प्रॉपर वर्ड्स में अगर लिखना है तो इफ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, ओके, तो ही ये प्रॉपर्टी ट्रू है, अदरवाइज नहीं, ओके? ये स्टेटमेंट है उसका। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, हाँ मतलब उल्टा करना है उसको और फिर ट्रांसपोजेस लगाना। चलो मुझे ये बताओ, ये तो फालतू है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
और नेक्स्ट हाँ के इज कॉन्स्टेंट हा क्या होगा के इंटू ए ट्रांसपोज के ए मतलब वो नंबर है जैसे अपन अभी कर रहे थे ना फोर इंटू मैट्रिक्स वैसे ये तुम्हारा के हो गया और ए तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया अगर तुम पूरे को ट्रांसपोज लेते हो तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा फोर इंटू दैट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस ये बस एमसीक्यू के लिए याद रखो एमसीक्यू मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता है ना उसके लिए बस ये चीजें याद रखो अदरवाइज ऐसे कुछ तो मैं उसके ऊपर सॉल्विंग नहीं कर कंफर्टेबल नहीं है कंफर्मेबल वही मतलब ए बी इक्वल टू बी कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट मतलब ए बी इक्वल टू बी कंफर्टेबल एंड वी आर कंफर्टेबल राशि क्या बोल रही तेरी दोस्त मुझे भी बिगाड़ देगी काय संबंध वो सिर्फ ऊपर से शानी दिखती है चलो ए इज ए मैट्रिक्स देन A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is Q symmetric. Okay, A plus A transpose and A minus A transpose. A plus A transpose is symmetric. A minus A transpose is skew symmetric. Symmetric मतलब क्या होता है? उसका ट्रांसपोज लिया तो सेम चीज आ जाता सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक देखो ध्यान दो जरा अभी कुछ बताने वाली मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है मतलब एनी मैट्रिक्स ए उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फिर से एक बार रिपीट करो आई वांट टू रिप्रेजेंट ए ए को मुझे लिखना है एक सिमेट्रिक प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक ओके तो वो लिखने के लिए हम ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करते हैं सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे एंड स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है अगर मैंने ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम क्या है कुछ तो प्रॉब्लम कौन आइडेंटिफाई करेगा ये इक्वेशन सही है क्या परफेक्ट ए और ए टू ए हो जाएगा नहीं सच में सही बोल रहे हो ए और ए टू ए हो जाएगा और मुझे क्या चाहिए ए चाहिए सो व्हाट आई विल डू आई विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय तेरा प्रॉब्लम ही है जहां पे सीरियस होना चाहिए वहां पे तुझे मजाक लगता है जहां पे मजाक में लेना चाहिए वहां पे तो सीरियस हो जाता है ओके सो अब A matrix मतलब any matrix can be represented as addition of symmetric and skew symmetric. Okay, तो symmetric की जगह पे अपन क्या लिखेंगे A plus A transpose, skew symmetric की जगह पे क्या लिखेंगे A minus A transpose. Problem is I am getting 2A, I want A. That is why I have introduced half. Okay, so any matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so conclusion is any matrix A can be represented as addition of symmetric and skew symmetric matrix.
एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है सब कुछ लिख लो और मेरे पहले पढ़ रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा फिर उसने अचानक से बोला कि ये एक्स्ट्रा रॉन्ग है जो रिलीफ आया मुझे अदरवाइज वन बोलता मैं होल लाइफ इज लाई कैंसिलेशन करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी याद नहीं मुझे बट अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था मतलब और बताओ व्हाट इज इक्वल टू मैम आप मैट्रेसेस के लेक्चर अपलोड कर दो आवाज नहीं आ रही मैम मैट्रेसेस के लेक्चर्स अपलोड कर दो ना मेरे मिस हो गए ना मुझे कन्वर्ट होना पड़ता फिर अपलोड करेंगे फिर वो सर ऐप पे डालेंगे कितना एक बार रह गया ना वो रह ही जाता है फिर ऑनलाइन भी हो तो भी लाइव अटेंड करो सबसे पीटने वाली है पता है एक दिन सब बहुत दुश्मन पाले तूने चलो नेक्स्ट क्या हुआ फाइंड ए ट्रांसपोज वन माइनस फोर थ्री फाइव चलो बताओ यार ऊपर कर समझेगा एग्जाम्पल करेंगे तो समझेगा डोंट वरी रो को कॉलम करना है ना कैसे भी बोला है कोई रो वाइज रीड करता है कोई कॉलम वाइज रीड करता है सब सही है ए ट्रांसपोज रो को कॉलम कर दो वन थ्री कर दिया इस रो को मैंने कॉलम लिख दिया इस रो को मैंने कॉलम लिख दिया हसुन गया क्या चलो ये आएगा ही नहीं आपको पता है ना वो क्या वो सारे वो मुसाफिर को मुसाफिर सुना ना मैंने आज मुसाफिर ये डेंजर नाम है यार नाम अच्छे साइड कर दे अरे वो नाम मैंने ये मुर्तुजा नाम पहली बार सुना हाँ है बट प्लेयर का है ना कोई तो भी नाम अरे ओके हाँ ये एक बंदा एक बंदे का भी था ट्रैक में गई ट्रैक पे गई थी मैं तब एक बंदे का भी था नाम मुर्तुजा कौन दिग्विजय मुस्कान से नहीं 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 सही है वो उसमें वो दिग्विजय बहुत होशियार है रेहान कर तो तू मुस्तनसिर काहीच करत नाही लिटरली काहीच करत नाही तो पर अपना साहिल तो हीरो है ना प्रणव हम इतना पढ़ के सात आठ ला रहे नहीं ने मुझे बोला मैं 12 लिख आया तो मुझे लगा इसने 12 लिख तो मेरा क्या होता प्रणव अच्छा है वो पता नहीं पढ़ा नहीं पूछा उसने अकाउंट किया था सब बुरी चीजें तेरे साथ ही होती ना नहीं एक अभी दो अंक एक एक तो चैप्टर सब चिल्लर कर दिया
इंटू कहाँ कर रहा तू? कॉलम रो मल्टीप्लाई करना क्या है तुझे? ये ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा ऑर्डर 2 by 3, 3 by 2 ऐसे बोल रहा क्या? इंटू इंटू बोला तो चलता है, चेंज होता है, ट्रांसपोर्ट्स का वो प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्ट्स का प्रॉपर्टी है ना, एम बाय एन ट्रांसपोज लेने के बाद एन बाय एम हो जाता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। काय का लास्ट? चुप बैठ, इनको कॉलेज जाना है, रो को कॉलम कर दो। तेरा सरनेम क्या है स्वयं? अनुष्का कवड़े का तू कौन लगता है? रिलेशन रिलेटिव्स में है ना वो? हाँ यही पे थी वो। अरे बहुत मस्त लड़की थी वो। हाँ क्या कुछ तो है, सेम फैमिलीज हो सकते हैं कहीं से तो लिंक। नहीं मतलब पूरा रोड़ा मारा है तो पूरा रोड़ा मारा है बड़े लोग हाँ वो हम अनुष्का को हम बोलते थे ऐसे बड़े लोग है बहुत पूरा रोड तो मारा है। अरे उसको बहुत परेशान करती थी मैं मस्त है वो लड़की, खतरनाक है, तुरंत बोल देती हो, बट मजा आता था। सारी वो सारी पहनी थी मैंने, तेरे वेट से तो ज्यादा सारी का वेट होगा। वो भी ऐसे वो भी मजे लेती थी, बहुत बहुत मस्ती करते थे हम लोग। Find A and A transpose. वो भी सीए कर दिया। नहीं नहीं वो सीए नहीं। State whether A and A transpose both are symmetric. Or skew symmetric. मुझे तो बोर लगता है बहुत। लॉजिक चलो 3 by 3 मतलब अपना ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहले उसका स्केलेटन बनाते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये? ओके? पक्का? नमीशत शांतस? आज रिजल्ट है इसलिए। ये बड़ा है नहीं। उसको पेपर कौन सा चाहिए है? A1 क्या हो जाएगा? 2 into 1 minus 1, 0. A12 2 into 1 minus 2 कितना आया ये? -2. A13 2 into 1 minus 3. देखो ij के जगह पे अपन बस वैल्यूज डाल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है क्या? अरे चिल्लर क्वेश्चन ही है पक्का ना विरजा? सो इट्स -4 ठीक है। क्या किया हमने? i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, i के जगह पे 1, j के, ये ij है ना अपने सर, ij बजा 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 A21 I is 2, J is 1, 2 into 2 minus 1, kitna aya ye? 2 aya. A22 is how much? 2 into 2 minus 2, kitna aya ye? 0 aya. A23 batao,
2 into 2 minus 3. How much is this? Minus 2. Understood or not? Yes. A31 batao. A31 is what? 2 into 3 minus 1. 4 aa raha hai. A32 batao. A32 is what? 2 into? 2 into 3 minus 2. Kitna aya? 2 aya. A33 batao. 2 into 3 minus 3. Matlab? 0 aya. Okay. आ गए सारे वैल्यूज, अब बस उनको ए मैट्रिक्स में फिट करना है. ठीक है स्वयं मंडेला टाइम है, टाइम है, टाइम है. ए मैट्रिक्स A1, A2, A3, सेम आया है क्या मैट्रिक्स तुम्हारा भी? चेक करो. का पूछा क्या है क्वेश्चन में? स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है हमें ढूंढना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. आया क्या ट्रांसपोज? मैम बोलो. 12th का ही सिलेबस रिड्यूस ने झालेला. सॉल एग्जांपल्स फक्त रिड्यूस्ड असतात, अजून काही नसतं. ते पण अजून ह्यावेळेस अजून नोटीस नाही आले बरं. कॉलेज सुरू झालं की सांगते. मैंने कब बोला 11 बजे छोटे वाले? मैंने कब बोला 11 बजे छोड़ने वाले? लास्ट टाइम मैंने इसका कौन बोला? स्क्यू सिमेट्रिक. ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम कर दो. 0 -2 -4, 2 0 -2 4 2 0. सेम है क्या दोनों मैट्रिसेस? यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है. सेम है क्या? तो सेम चाहिए ना. तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कर दो या फिर माइनस ऑफ ए कर दो, कुछ भी चलता है. नेगेटिव से वो एक दूसरे के, दैट्स इट. सो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज किया तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे. हो गए सारे साइन उल्टे? हो गए क्या? अब वो आइडेंटिकल है क्या? ये दोनों सेम है क्या? ए और माइनस ए ट्रांसपोज सेम है ना? या फिर माइनस साइन कहीं पे भी उठा चलता है, फ्लेक्सिबल है वो. अच्छा तो बताओ मुझे कैसा सिमेट्रिक? क्यों सिमेट्रिक? देयरफॉर A is skew symmetric matrix. Done. क्या हुआ स्वयं? भेटल जायचं त्याला भेटल. कौन नमिश? इक्वेशन ऐसे लिखना है और ए इज क्यू सिमेट्रिक ऐसे लिखना है. कुछ भी मत बोला कर. हाई फाई क्यों लिख रहा था? मेरी सवय लगी थी. अरे वाह वाह वाह, तीन वाली सवय लगी इसको. राशि 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 मेरी बैग क्यों धर रही है? चलो
सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज। चलो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को क्या करना है, कॉलम करना है, सो 5-3 कैसे होगा, कॉलम में आएगा, 4-3 कैसे आएगा, कॉलम में आएगा, -2-1 कैसे आएगा, कॉलम में आएगा, आ गया। इसका भी ट्रांसपोज लेना है फिर से, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से कॉलम में कर दो, नहीं 5-4-3 -3-3-1 रो को क्या कर दिया हमने, कॉलम कर दिया, रो को क्या कर दिया हमने, कॉलम कर दिया, क्या मिल गया फिर हमें, फिर से ए मैट्रिक्स मिल गया, मिल गया ना, डन, अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, दो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, फोर्थ वाला होमवर्क के लिए कर दो, रिपीट है, फिफ्थ करेंगे इसके बाद। फिफ्थ का फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन काय नाम हो गया, फिफ्थ का फर्स्ट करेंगे, बिकॉज ये फोर्थ वाला जो है वो यार रिपीट है, क्या ही करने को है, स्वयं जाता है क्या, पर वो भी हाँ ना, वही फिर भी मुंडी हिला रहा है, फिर भी मुंडी हिला रहा, आता है आता है, स्वयं हमारे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स इज व्हाट, 2-5-6 -3-4-1 B matrix is what? 2-4-3 1-1-3 यही लगने वाला है हमें फर्स्ट के लिए। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट व्हाट, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ए प्लस बी ढूंढना पड़ेगा, ओके, ए प्लस बी ढूंढो नमीश, ए प्लस बी ढूंढ, चल पहले टेस्ट कर रहे हैं, सॉल्व, चलो ए प्लस बी कितना आया, 2+2 4 -3+1 5+4 -4 -1 -6 -3 1+3 4। अब LHS मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, LHS इज व्हाट, रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत है इसमें, मोनोटोनस हो जाते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है हमें, तो रो को क्या करना पड़ेगा, कॉलम, इस रो को कर देंगे अपन कॉलम, इस रो को अपन कर देंगे कॉलम, इस रो को कर देंगे अपन कॉलम, क्या कॉलम, एलएचएस मिल गया, लेट्स सॉल्व आरएचएस, ओके, आरएचएस में क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले अपन को ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, पूरा ही कॉपी करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, काय को वीकेंड चैट मंजली का
तसे काय फरक पडतो वीकेंड असला नसला. A transpose, A transpose, B transpose, B transpose. राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं. ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? रो को कॉलम करेंगे. आनी चाहिए. रो को कॉलम कर दो. चलो इस रो को कॉलम कर दो. इस रो को कॉलम कर दो. इस रो को कॉलम कर दो. बी ट्रांसपोज मतलब फिर से इस रो को कॉलम कर दो. इस रो को कॉलम कर दो. आरएचएस में क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. स्वयं अर्धा तासात येतो म्हटलं ऐकलं मी. आरएचएस इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज क्या है? 256 माइनस 3 माइनस 4 1 प्लस बी ट्रांसपोज इज व्हाट? 2 1 4 माइनस 1 माइनस 3 नहीं दे रहे. चलो आरएचएस क्या हो गया फिर? 2 + 2, 5 + 4, 6 - 3, -2, -5, and 4. जरा एलएचएस चेक करो सेम आया है क्या. अच्छा ओके ओके ओके. हाँ सेकंड पार्ट नंबर कर दो. तो उसमें आप फिर से मतलब सिखा रहे हो ये सर रिवीजन.